नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 12 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबर के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से नहाए खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत। बिहार के 70,000 से अधिक स्कूलों के नाम में होगा बदलाव। आईपीएल 2024 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। सिविल स्कोर अधिक होने के कई हैं फायदे। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए इन 5 संसदीय क्षेत्रों में नामांकन शुरू। बिहार में इन जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। बिहार में 300 से अधिक नए बसों का होगा परिचालन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार कैपिटल के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेल ने 108 पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन। कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, सर्वेयर सहित कई पदों पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 108 पदों पर आई है। आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sell.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में आपको 700 रुपए देने होंगे। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ITI, डिप्लोमा, BE या BTEC आदि किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। आज से नहाए खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत। आज से नहाए खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत हो गई है। घाटों पर इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। मालूम हो कि छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। चैती छठ 15 अप्रैल तक चलेगा और इस पर्व का विशेष महत्व होता है। साल में 2 बार छठ मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाने की परंपरा है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को खरना है, जबकि 14 अप्रैल को शाम में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल को सुबह में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद इस महापर्व का समापन होगा। इधर छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अलका गुप्ता के बारे में। अलका गुप्ता एक भारतीय अभिनेत्री हैं। इनका जन्म बिहार के सहरसा जिले में आज के ही दिन वर्ष 1957 में हुआ था। टेलीविजन की दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान GTV पर आने वाले शो झांसी की रानी से बनाई थी। इन्होंने झांसी की रानी में अपनी भूमिका छोटी मनु यानी छोटी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में निभाई थी। इनकी पहली फिल्म आंध्रा पूरी रही, जो कि एक टॉलीवुड फिल्म थी। इसमें इन्होंने मुख्य किरदार के रूप में प्रशांति का किरदार निभाया था। इसके अलावा इन्होंने GTV के प्रसिद्ध शो खेलती है जिंदगी आंख में चोली में भी काम किया है। साथ ही स्टार प्लस के प्रसिद्ध शो गुम है किसी के प्यार में भी नजर आई थी। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें इंडियन टेली अवार्ड्स, जी गोल्ड अवार्ड्स, ITA पुरस्कार आदि शामिल है। बिहार में राजस्थान और केरल मॉडल से जलाशयों की सफाई। बिहार को राजस्थान और केरल मॉडल के जलाशयों की सफाई काफी पसंद आई है। यहाँ के जलाशयों के साथ ही बैराजों में जमे गाद की सफाई के लिए योजना बनाई जा रही है। जल संसाधन विभाग की ओर से इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। पिछले दिनों विभाग में उच्च स्तरीय मंथन किया गया था। इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ ही भूतत्व विभाग के द्वारा सहमति जाहिर की गई है। जानकारी के अनुसार राज्य के 23 जलाशय और 5 बैराज में गाद भरा है। इसको लेकर सफाई की योजना बनाई जा रही है। बिहार के 70,000 से अधिक स्कूलों के नाम में होगा बदलाव। बिहार के 70,000 से अधिक स्कूलों के नाम में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही स्कूलों के नाम में बदलाव किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के अलग अलग जिलों में नवसृजित स्कूल और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के नाम को बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर विभाग के द्वारा स्कूलों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। राज्य के देश या राज्य के महापुरुषों के नाम पर इन स्कूलों के नाम रखे जाएंगे। जानकारी के अनुसार स्कूलों के नाम की UDIAS पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। इसके बाद ये स्कूल इसी नाम से जाने जाएंगे। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए इन 5 संसदीय क्षेत्र में नामांकन शुरू। शुक्रवार को बिहार में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। अब जल्द ही 5 संसदीय क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन 5 संसदीय क्षेत्रों में नामांकन शुरू होने वाले हैं, उसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया संसदीय क्षेत्र शामिल है। 19 अप्रैल तक इन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने की तिथि तय है। नामांकन पत्रों की जाँच 20 अप्रैल को चलेगी। वही नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि 7 मई को बिहार में तीसरे
तीसरे चरण का चुनाव होगा। वोटों की गिनती अन्य चुनावी क्षेत्रों के साथ ही 4 जून को होगी, फिर उसी दिन चुनावी परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नियमों में किया बदलाव। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव किया है। राजनीतिक पार्टियों को लेकर अब बैनर, होर्डिंग, पोस्टर आदि में प्रिंटर का नाम देना होगा। प्रकाशकों के नाम को छापना अनिवार्य कर दिया गया है। चुनाव आयोग की सभी बैनरों और पोस्टरों पर नजर बनी हुई रहेगी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का आयोग के इस निर्देश का पालन करना होगा। वहीं नियमों का पालन नहीं करने पर प्रत्याशी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद आयोग की ओर से यह फैसला लिया गया है। शिकायत के बाद आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। पार्टी या सरकार के प्रचार के लिए सरकारी खजाने से विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। बिहार में 300 से अधिक नए बसों का होगा परिचालन। बिहार में 376 नए बसों का परिचालन होगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही अब यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 120 रूटों पर इन बसों के परिचालन की योजना बनाई गई है। हालांकि आने वाले समय में जरूरतों के अनुसार बसों को चलाया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन की ओर से ये बसों के परिचालन को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। बिहार के अलग अलग जिलों को आपस में जोड़ने वाली रूटों पर बसों का परिचालन किया जाएगा। सिविल स्कोर अधिक होने के हैं कई फायदे। सिविल स्कोर 750 या इससे अधिक होने पर कई फायदे हैं। इससे आपको आसानी से कम ब्याज पर अधिक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा बैंक के द्वारा भी कई तरह के स्पेशल ऑफर दिए जाते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर हर तरह से फायदेमंद होता है। ऐसा होने से लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है। इसके साथ ही बैंक की नजर में आपकी साख भी अच्छी बनी हुई रहती है। क्रेडिट स्कोर लंबे समय तक अच्छा रहने पर सामान्य से अधिक क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। इसके अलावा अधिक सिविल स्कोर इंश्योरेंस प्रीमियम निर्धारित करने में भी अहम योगदान देते हैं। कंपनी के द्वारा आपको कम प्रीमियम ऑफर दिया जाता है, इससे बचत होती है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे समअपसरण के बारे में। समअपसरण मंदिर बिहार के पावापुरी नालंदा जिले में स्थित एक जैन धर्म का पवित्र स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने अपना पहला और अंतिम धर्म उपदेश दिया था। इसलिए जैन धर्म के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस स्थल को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। ये मंदिर पावापुरी में स्थित जल मंदिर से महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। यदि आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बांका के अनंत कुमार ने नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के अनंत कुमार ने नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। औरंगाबाद में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसी में बांका के रहने वाले अनंत कुमार ने गोल्ड पर कब्जा किया है। बताया जाता है कि अनंत कुमार ने उड़ीसा के पुरी में आयोजित कमबैक नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड हासिल किया था। बिहार राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। वहीं इनकी इस जीत से उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार अनंत कुमार के पिता सिक्योरिटी गार्ड के कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं। पड़ोसी के तंग करने पर करें ये काम। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों के पड़ोसी उन्हें परेशान करते हैं। कई लोग अपने पड़ोसी को तंग करने के लिए तेज गाना बजा देते हैं, तो कई लोग बार बार उनके घर के सामने कूड़ा या कचरा फेंक देते हैं। ऐसे में लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो क्या करें। ऐसे में आपको बता दें कि पड़ोसी के परेशान करने पर आप इसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं। वहीं आरोप को सही पाए जाने पर आईपीसी की धारा 291 के तहत आपके पड़ोसी को 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इस स्थिति में आपका पड़ोसी आपको परेशान नहीं कर सकता है। वहीं अगर आपके किसी जानकारी या रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है तो उन्हें कानून के बारे में अवगत कराने की सलाह दी जाती है। बिहार में इन जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। बिहार में मौसम को लेकर इन दिनों लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए देखने को मिले। कई जगहों पर तो बारिश की संभावना भी जताई गई, साथ ही तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। प्रदेश में आज भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश की ये संभावना रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और गया जिले में 1 या 2 स्थानों पर है। अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। एक बार फिर से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश में आज का तापमान कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री तो कुछ जगहों पर 38 से 40 डिग्री तक रहने वाला है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है।
अजीमाबाद एक्सप्रेस से शराब हुई बरामद। अजीमाबाद एक्सप्रेस से रेल पुलिस ने शराब को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 162 बोतल विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। ये शराब लावारिस हालात में ट्रेन में पड़ी हुई थी। 3 काले रंग के बैग में शराब को रखा गया था। वहीं मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि रेल पुलिस की ओर से अज्ञात तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं यात्रियों से पूछताछ में पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह का बिहार दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में नेताओं का दौरा, रैली, प्रचार प्रसार आदि जारी है। एनडीए ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि बिहार की 40 में से 40 सीट पर वो जीत हासिल करे। इसे लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह 14 अप्रैल को जमुई पहुंचेंगे, दूसरी और 15 अप्रैल को यूपी के सीएम आदित्यनाथ नवादा आएंगे। वहीं 16 अप्रैल को एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की गया और औरंगाबाद में चुनावी जनसभा होगी। तेजस्वी यादव ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि खाने पीने पर सियासत की जा रही है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बार फिर भी भाजपा ने ये नहीं कहा कि बिहार को विशेष दर्जे की जरूरत है। एक बार भी ये नहीं कहा गया है कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे। भाजपा ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि यहाँ के युवाओं का कैसे भला करेंगे। इन सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि ना नौकरी ना ही रोजगार, नहीं चाहिए ऐसी बीजेपी सरकार। बिहार के दिल से पुकार उठी है कि झूठी मोदी सरकार को बदलो। पवन सिंह के काराकाट की सीट से चुनाव लड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया। भोजपुरी के एक्टर पवन सिंह ने काराकाट के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं एनडीए के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा से जब इस सीट पर पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साइंस के छात्र से कॉमर्स का सवाल मत करिए और आगे बढ़िए। चर्चा हो रही कि काराकाट की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह भाजपा पार्टी की सदस्यता छोड़ सकते हैं और वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव के आवास पर पुलिस की छापेमारी। पूर्णिया की लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के आवास पर गुरुवार की शाम पुलिस ने छापेमारी की है। सदर डीएसपी पुष्कर के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है। इस दौरान पप्पू यादव के वाहन के कागजात से संबंधित पूछताछ की गई है। करीब 1 घंटे तक पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पप्पू यादव अपने आवास पर मौजूद रहे। उन्होंने डीएसपी से बातचीत भी की। आपको बता दें कि पप्पू यादव पर बिना परमिट की गाड़ियों का इस्तेमाल करने का आरोप है। भाजपा के 400 पार वाले नारे पर बिहारी बाबू ने दिया बयान। भाजपा के 400 पार वाले नारे पर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया है। साथ ही इन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि ईद पर मुबारकबाद देने के समय में मछली पर बातचीत हो रही है। नवरात्र से पहले मछली खाया या नवरात्र के दौरान मछली खाया, इस पर जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव खुद सक्षम है, ये हमारा विषय नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि भाजपा के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार करेंगे, लेकिन इनका नतीजा 2004 वाला हो सकता है। महाराजगंज से सच्चिदानंद राय निर्दलीय लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। महाराजगंज से सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी साझा की है। मालूम हो कि महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद महाराजगंज की सीट कांग्रेस के खाते में आई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से फिलहाल उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज की लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मालूम हो कि सच्चिदानंद राय वो एमएलसी है जो अपनी जीत का श्रेय प्रशांत किशोर को देते हैं। एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने इनका समर्थन किया था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1801 में रंजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया था। आज के दिन वर्ष 1885 में मोहन जोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2007 में पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन पर भारत को मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 2010 में पंजाब के गुरु नानक देव स्टेडियम में भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान की टीम को 58-24 से पराजित करके प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता जीता था।
आज के दिन वर्ष 2014 में मशहूर गीतकार गुलजार को वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आईपीएल 2024 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आईपीएल का ये 26वां मुकाबला होगा और शाम के 7:30 बजे से लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों ही टीम बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेगी, साथ ही जीतने का प्रयास भी करेगी। फिलहाल लखनऊ की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। हालांकि तेज गेंदबाज मयंक यादव के पैर में चोट लग जाने के कारण उनके इस मैच में खेलने की उम्मीद काफी कम है। दिल्ली की टीम अंक तालिका में 2 अंकों के साथ सबसे नीचे है। आज के इस मुकाबले को जीत कर ये टीम किसी भी तरह पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी। आपके अनुसार आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज होने वाले मुकाबले में किस टीम की जीत हो सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आधार का पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद पासवर्ड की जानकारी नहीं होने पर करेंगे काम। आधार कार्ड भारतीय नागरिकों की पहचान का एक अहम दस्तावेज है। आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है https://uidi.gov.in के द्वारा आपको ये सुविधा प्रदान की जाती है। आधार को डाउनलोड करने के बाद इसके एक्सेस के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। मालूम हो कि पासवर्ड आपके डिजिटल आधार कार्ड को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसका पासवर्ड बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको अपने नाम का पहला 4 अक्षर को कैपिटल में लिखना होगा और फिर अपना बर्थडे ईयर को दर्ज करना होगा। इसे दर्ज करने के बाद आपका डिजिटल आधार कार्ड ओपन हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे ईवीएम में से चुनाव नहीं होने के दावे के बारे में। YT न्यूज नेटवर्क नाम के एक यूट्यूब चैनल द्वारा एक वीडियो के थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि इस बार का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये थंबनेल पर किया जा रहा दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है, जहां इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। इसलिए ऐसे किसी भी कॉन्टेंट को शेयर करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जाँच जरूर कर ले। टिकट कटने से नाराज अश्विनी चौबे का बयान, बक्सर में मैं ही रहूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। वही बक्सर की लोकसभा सीट से भाजपा की ओर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। भाजपा से सांसद अश्विनी चौबे को टिकट नहीं दिया गया है, इसके बाद वो नाराज चल रहे हैं। इसी बीच अश्विनी चौबे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बक्सर से वो ही रहेंगे। पटना पार्टी ने क्या समझा और क्या नहीं ये उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ साजिश करता थे, अभी नामांकन बाकी। अश्विनी चौबे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता चिंता नहीं करे, वो बक्सर में ही रहेंगे और वो ही रहेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है संजू सैमसन, ऑप्शन डी MS धोनी। इसका सही उत्तर है विराट कोहली। हाल ही में कहां खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही उत्तर है लद्दाख। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। यूनानी दूत डिमोलेक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बृहद्रथ। इसका सही उत्तर है बिंदुसार। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ऑप्शन ए आजीविकाओं ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी है जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। इसका सही उत्तर है आजीविकाओं ने। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नरेश मुर्मू, विकास दास, पंकज कुमार दास, टिंकू कुमार पंडित, सुमन कुमार मिश्रा, कृष्णानंद प्रसाद, संजय कुमार शर्मा, विकेश सिंह, रंजीत कुमार झा, राजीव कुमार, सुशांत कुमार, अभिषेक कुमार, शंकर चौधरी, संजीव कुमार, प्रियतमा भारती। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।